अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ गजरेला। खीर जैसा होता है ये, इसमें जो है गाजरें शामिल करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल होंगी। क्रीम ली है मैंने, चीनी 1 कप के करीब है मेरे पास, और आप बाकी जो है टेस्ट करने पे मैं और ऐड भी कर लूँगी, आप भी इसी तरह से करिएगा। दूध लिया है मैंने 1.5 लीटर, 1.5 किलो है दूध। चावल मैंने 1 रात पहले ही भिगो दिए थे, अगर आप चाहें इस तरह से कर सकते हैं, या 2 से 3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। 1 कप के करीब चावल हैं मेरे, और उतनी ही मैंने जो है गाजरें ली हैं, उन्हें जो है कद्दूकश कर लिया है गाजरों को। गाजरें भी मेरी 1 कप के करीब हैं। बस यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी इसमें गजरेले में, और बनाने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। सबसे पहले मैं दूध शामिल कर रही हूँ पतीले में। और साथ ही जो है इसमें चावल जो 1 रात पहले भिगोए थे, आप चाहें तो 2 से 3 घंटे पहले भी भिगो के रख सकते हैं चावल। पहले भिगोने से ये है कि जल्दी हो जाते हैं चावल, और माशाल्लाह से जो है खीर या गजरेला जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है। मीठा जो है वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखना है, जिस तरह से आपको पसंद हो मीठा। दूध में जो है मैंने चावल शामिल कर दिए हैं, और इसे जो है 1.5 घंटे तक जो है उबाल आने के बाद आंच जो है हल्की कर देनी है, और 1.5 घंटे तक जो है इसे पकने देना है ताकि जो है चावल भी नरम हो जाए। गाजरें जो हैं वो माशाल्लाह जल्दी हो जाती हैं, तो वो मैं जो है बाद में शामिल करूँगी। दो चावल जो मैंने पकने रखे थे वो माशाल्लाह 1.5 घंटे तक मैंने हल्की आंच में पकाए हैं, 1.5 से 1 घंटे तक। अगर आपने और पकाना है तो 1 घंटा कर सकते हैं। अब इसमें जो है मैं गाजर शामिल कर रही हूँ। गाजरें थोड़ी सी शामिल करनी है क्योंकि इसमें कम होती हैं। इसे जो है गजरेला या गाजर की खीर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें गाजर भी शामिल होती है। और साथ ही गाजरों के साथ ही इसमें जो है माशाल्लाह से चीनी भी डाल रही हूँ मैं। साथ ही मीठा आपने चेक कर लेना है जितना आपको पसंद हो। अब ये गाजरें डालने के बाद हल्की आंच पे पकता रहेगा। इस तरह से गाजरें डाल के जो है मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था, और तकरीबन 1 घंटे तक जो है बिल्कुल हल्की आंच पे ये पकता रहा है। साथ साथ चमचा फेरना है, और अब देखें माशाल्लाह से जो है चावल भी खुल गए हैं और गाजरें भी। गाजर की खीर माशाल्लाह मेरी तैयार है। इस पे अगर अब मैं जो है चांद के वर्क रख रही हूँ, अगर आपको पसंद हो आप रख लें। और इसमें जो है आप थोड़ा सा जो है रू केवड़ा पकाते हुए अगर शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जो है इसमें बादाम और काजू शामिल किए थे पकाते हुए, और थोड़ा सा ज़ाफ़रान शामिल किया था, अगर आपकी मर्ज़ी है, वरना आप ऊपर भी डाल सकते हैं जिससे से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। और ये जो गजरेला है गाजर की खीर, वैसे इसे गजरेला कहते हैं पर काफ़ी लोगों को गजरेले से समझ नहीं आती है तो इसे गाजर की खीर कहते हैं। तो इसकी जो है रिक्वेस्ट की थी जवाद अली ने। गाजर की खीर गजरेला तैयार है। आप देख के मुझे बताएं कि आपको किस तरह की लगी है मेरे बनाने का तरीका, मेरी रेसिपी, और ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाए और किस तरह की बनी है आपकी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।